चार बार विधायक व दो बार शांता कुमार के सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय दिले राम की सुपुत्री शीला देवी ने नाचन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के लिए दावेदारी जताई है। इस संबंध में उन्होंने भाजपा हाईकमान को आवेदन भेजा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए स्वर्गीय दिले राम की सुपुत्री शीला देवी ने बताया कि पार्टी द्वारा महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। उन्होंने बताया कि वो लगातार तीसरी बार अपनी कुलोहड़ पंचायत की प्रधान है और उनकी पंचायत को स्वच्छता के लिए भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने भाजपा आलाकमान से मांग की है कि उनके परिवार की पार्टी के प्रति ईमानदारी व निष्ठा के चलते उन्हें जरूर मौका दिया जाए, ताकि विधानसभा में पहुँच कर जनता की सेवा कर सके। मैं शीला देवी, मैं ग्राम पंचायत कलोहर से प्रधान हूँ। अपनी जनता के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार प्रधान पद पर कार्यरत हूँ। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे नेतृत्व ने महिलाओं के लिए जो स्थान पार्टी में दिया है, उसके लिए हम बहुत ही जनता की और अपने नेतृत्व के भारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं कि उन्होंने महिलाओं को उच्च पद पर भी स्थान दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 10 राजस्व जिला मंडी में हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें से कोई भी महिला पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। हम अपने नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी से यह आवेदन करते हैं कि इस क्षेत्र नाटक मंडी जिला में महिलाओं के लिए स्थान जरूर दें, और ताकि हम भी नाचन क्षेत्र में महिलाओं की दावेदारी के लिए दावेदारी करती हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। नाचन क्षेत्र से हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस प्रकार मेरे पिता स्वर्गीय पूज्य पिता स्वर्गीय श्री दिलेराम जी ने अपने 40 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है, सच्ची ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने जनता की सेवा की है, उसी प्रकार हम भी भली भांति जनता की सेवा करना चाहते हैं। पूर्व मंत्री